हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यारी व्लॉग्स। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बर्थडे व्लॉग है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ 2 मिनट के लिए बस कुछ चीज़ शेयर करनी है। 2 मिनट शायद 5 मिनट भी हो जाएगी। मुझे बोलने का बहुत शौक है और बहुत दिनों बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हुई है तो मैं अब बोल पा रही हूँ। तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लूँ तो बोर मत होइएगा। वैसे मैं बोर करूँगी भी नहीं। सनी बाहर गया हुआ है क्योंकि उसको कॉल आ गया था एकदम से, तो मैं बताती हूँ वो बाहर है। तो मैं इनके जल्दी से बोल दूँ, बहुत जल्दी बोल रही हूँ ये चीज़ मैं, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि वो आ जाए क्योंकि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। और वो वहाँ खड़ा होगा, वो वहाँ पर बात कर रहा है। तो और मैं सबसे पहले तो बता देती हूँ कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। बहुत जल्दी भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कुछ है बोलने को, पर मैं चाहती नहीं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए क्योंकि ऑलरेडी हमारा व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी चल रहा है दिसंबर और यश का बर्थडे आता है मई में। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे मई का बर्थडे व्लॉग हम दिसंबर में पोस्ट कर रहे हैं, अरे हम पागल तो नहीं है। अरे नहीं भैया, हम पागल तो नहीं है, हमारा तो दिमाग ख़राब हो चुका है। और मैं आपको बताती हूँ जैसे आप और हम हैं। आप मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं मेरा बता देती हूँ बहुत ज़रूर कि बर्थडेज जिसके भी आते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है सबको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से मनने चाहिए, बहुत मज़ा आना चाहिए उसके अंदर। बट ये जो प्राणी हैं यश नाम के, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अलग ही धरती और दुनिया में से आए हुए हैं कि इनको अपने बर्थडेज बनाना ही पसंद नहीं है। बर्थडे पे केक वेक कट करना भी पसंद नहीं है। पता नहीं कैसा लड़का उसको बर्थडे बनाना पसंद है। मतलब मैं तो बर्थडे के 15-20 दिन पहले से कूदने लगती हूँ कि मेरा बर्थडे आ रहा है और उसकी बहुत सारी रील्स भी बना देती हूँ, पर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक्चुअली ना ये इंसान की गलती नहीं होती कि उसको इंटरेस्ट नहीं होता। बचपन से जैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है और उसने कभी किया नहीं, तो उस हिसाब से उसके मन में ऐसे ही हो गया कि हाँ इट्स अ नॉर्मल डे। अब मेरे साथ रह के जब वो पार्टीज़ वगैरह में जाता है तो उसको अच्छा लगता है, वो एक अलग ही यश होता है। तो उसका नाम ऑन पेपर्स यश है। मैं बार बार सनी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मुँह पर वही रटा हुआ। बचपन से जब हम अपने घर में जो होता हुआ देखते हैं ना कि बर्थडेज नहीं बन रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल डे, जब प्रिटेंड हो रहा रहता है घर में भी, तो फिर इंसान भी उसी चीज़ में ढल जाता है कि हाँ इट्स अ नॉर्मल डे। और ये वो उसको इस वजह से उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके चक्कर में मेरी भी बहुत लगी हुई क्योंकि मेरे भी बर्थडेज अच्छे नहीं बन पाते यार। वो कुछ करता ही नहीं, उसको सरप्राइज़ देना ही नहीं आता है। मैं रो के बनवा देती हूँ। मुझे याद है कि इस बारी तो मैंने रो के बनवाया था। वो और मैं बहुत अलग है, उसका कुछ नहीं कर सकते। व्लॉग हमने अभी तक क्यों नहीं डाला वो चीज़ मैं बताती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि यार जब डालना नहीं था, जब बनाना नहीं था तो हमने व्लॉग क्यों बनाया। तो व्लॉग हमने इसलिए बना दिया क्योंकि व्लॉगिंग तो हमने बहुत पहले से स्टार्ट करना चाही थी, बट हम इतनी इंडियन सोसाइटी में जीते हैं कि हम क्या बताएं। हम देख के बड़े हुए हैं शाहरुख खान की मूवीज़, हमारे मम्मी पापा भी देख के बड़े हुए हैं शाहरुख खान की मूवीज़। अब उनको बड़ा ही कहेंगे क्योंकि उस टाइम पर तो 16-17 साल में शादियाँ हो जाती थी। हमने तो उससे प्यार सीखा है, लेकिन मम्मी पापा ने क्या सीखा है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। फीस जो थी ना, इसने ना जान ले रखी थी हमारी। जैसे तैसे करके वो हमने अपने फैमिली वालों को समझाई, बट फिर हम बाहर नहीं निकल सकते थे। बाहर निकल जाते तो फिर दुनिया देख के भौं करने लगती है। दुनिया भौं करेगी तो घर वाले भी सोचते कि हमें सोसाइटी में जीना है तो हम अपने बच्चों को ही रोक ले, तो वो रोक लेते हैं फिर हमें। तो उस वजह से हम इतना ओपन हो नहीं पाए। फिर जैसे तैसे हमने जब उनको मनाया तो अब जाके हम साथ में व्लॉग कर पाते हैं, बाहर घूम पाते हैं और इस चीज़ को पोस्ट कर पाते हैं। ये रीज़न है कि हमने अपनी व्लॉगिंग इतनी लेट स्टार्ट इसलिए भी करी। हम सोच तो बहुत पहले से रहे थे। और बेसिकली व्लॉग्स तो हम सिर्फ अपनी मेमोरीज़ के लिए बनाते हैं कि हमारे पास इतनी प्यारी 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 मेमोरीज़ है, ताकि हम आगे जाके देखें तो हमें कितना अच्छा लगे कि यार उस टाइम पे हम ऐसे रहते थे। मेरी बैंड बजी हुई है शक्ल की, 12 बजी हुई। प्लीज़ इसको देख के स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1-2 हफ्ते का मैं अपने आप को ठीक कर लूँगी। इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, डार्क सर्कल्स भी भयंकर दिख रहे हैं बिकॉज आई एम हैविंग फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स स्लीपलेस नाइट्स। तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज तो बेसिकली मुझे बाहर आके ही शूट करना था। घर वाले तो वैसे भी निकलने नहीं देते मुझे। मैंने बोला कि यार मुझे जाना है क्योंकि घर में तो हमारा घर तो हम बता दें बहुत पुराने, जैसे अपने दादाजी परदादाजी वगैरह होते थे ना, उनके तरीके का बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर मिलती रहती है। और फिर मेरा भी मन था कि बहुत टाइम हो गया मैं बाहर नहीं निकली। फिर डॉक्टर ने तो बोला था कि अभी 1 हफ्ते और मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए, पर मैंने कहा अब ज़्यादा आराम करूँगी तो ऊपर ही पहुँच जानी हूँ, इसलिए मैं आगे काम करने के लिए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यार, इतने दिनों बाद मैं बोल रही हूँ। उस टाइम पर नई व्लॉगिंग थी, हमने फरवरी से ही स्टार्ट करी थी, तो मई में तो उसका बर्थडे आता है तो हमें व्लॉगिंग तो करनी थी। बट स्ट्रिक्टली कह दिया गया था व्लॉग बनाने के बाद कि ये व्लॉग डल नहीं जाना चाहिए, मतलब मुझे मेरा बर्थडे व्लॉग चाहिए ही नहीं। और मैंने किया कि यार सत्यानाश हो गया, मतलब इतनी मेहनत करो, इतना व्लॉग बनाओ, 6-6 इंची की हील पहन के कैमरा ले के चलो, पर आप व्लॉग डाल नहीं सकते। फिर इतने एटीट्यूड में बोला था, जब वो एटीट्यूड में आता है ना तो मेरे को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे ऐसे बात करे। तो फिर उसके बाद से ना मैंने उस बात की जिक्र कभी करा ही नहीं कि हमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो लास्ट 2 या 3 मंथ से मैं उसको बोल रही हूँ कि हमें डालना चाहिए, हमें डालना चाहिए, पर वो हमेशा XYZ रीज़न बना के ना मना कर देता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्यों डालना था, अभी डालना था तो पहले क्यों नहीं डाला। तो मैं बताती हूँ कि अभी इसलिए डालना था क्योंकि मेरी हो चुकी है तबीयत ख़राब। पिछले 3 वीक से ना तो हम कुछ शूट कर पा रहे हैं ना कुछ एडिट कर पा रहे हैं। अब शूट जो करा हुआ रखा है वो भी एडिट नहीं कर पा रहे हैं, और जो एडिट करना है वो नया शूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस शूट नहीं कर पा रहे, एडिट नहीं कर पा रहे के चक्कर में ना हमारे पास कंटेंट नहीं बचा अब डालने को। अब हम करें तो करें क्या, मेरा हो रहा है दिमाग खराब। क्योंकि वैसे मैं इतना बोल रही हूँ और जब वो वीडियो देखेगा तो वो यही बोलेगा कि तुम्हारी वजह से व्यूज़ नहीं आया, तो प्लीज़ बहुत सारे व्यूज़ दे दीजिएगा इस वीडियो को। तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बकर करती हूँ, और मैं सच्ची में बकर करती भी हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है बकर करने में। और वो अभी है नहीं तो मैं इतना बोल पा रही हूँ, अगर वो होता तो पीछे से भौं करता रहता है कि इतना क्या बोल रही है, इतना क्या बोल रही है, इतना। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लेंगे। ओ माय गॉड, 5 मिनट की वीडियो बन गई। शेट यार, मैं बोल ही रही थी, मैं थोड़ा बहुत कट कर दूँगी, पर प्लीज़ मुझे झेल लीजिए। तो अभी मैं बस सिर्फ एक चीज़ का फ़ायदा उठा रही हूँ, वो है ये कि मेरी हो चुकी है तबीयत ख़राब। तो मुझे पता है कि वो मुझे तबीयत ख़राब में मुझसे कुछ नहीं बोलेगा, मैं कुछ भी कर दूँगी। इस चीज़ को लेके मैंने व्लॉग पूरा एडिट कर दिया है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये भी मैं उसमें डाल दूँगी, और आज ही कोशिश करूँगी ये व्लॉग लाइव करने की। उसके सामने करना मुश्किल तो होगा, बट उसके कॉल्स वगैरह इतने आते रहते हैं ना काम के, तो मैं कर दूंगी। और मुझे पता है कि उसके बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पहली ये हो सकती है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो वो तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, तो ये बोलेगा कि हो गया तो ठीक है, हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए कि मेरे अगेंस्ट चली गई, ये कर गई, तो हो सकता है कि वो उठा के व्लॉग डिलीट कर दे। तो इससे पहले कि ये व्लॉग डिलीट हो जाए, आप लोग इसको देख लीजिए, इस पर कमेंट करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसका बर्थडे कौन सी डेट को आता है। मैंने आपको बताया कि मई में आता है, और कौन सी डेट को आता है जिसको भी पता हो प्लीज़ वो कमेंट करिएगा। वैसे कितों को ही पता होगा, उसकी ज़िंदगी मई में और मेरी ज़िंदगी उसमें इतनी घूमती रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग डिलीट ना हो, और मैं ये कह नहीं सकती क्योंकि उसका गुस्सा बहुत तेज़ है, अभी मुझ पर निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं वो थोड़ा सा मेलो ड्रामा कर दूँगी। तब तक के लिए आप लोग ये व्लॉग एंजॉय करिए, बाय। और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर ठीक है, बहुत दिनों बाद बोल रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वैसे तो इनका बर्थडे फ्राइडे को था, लेकिन हम आज कर रहे हैं क्योंकि फ्राइडे को इनको बिल्कुल टाइम नहीं था। ये देखिए कितने गुस्से में पिनके हुए हैं, गाड़ी चलाने का भी मन नहीं हो रहा है इनका, पर हम ज़बरदस्ती चलवा रहे हैं। अब इनका केक उठाने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी लोकेशन पर जाएंगे। सुबह से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मॉर्निंग में शूट था। आई होप आपने उसकी वीडियो देख ली होगी और आपको पसंद आई होगी। यहाँ हमारी मम्मी की सेल्फियाँ चल रही हैं, ये देखो, ये मम्मी बैठी हुई हैं, ये नानी बैठी हैं, ये पीछे, और ये शुभम बैठा है, और सबकी सेल्फियाँ चल रही हैं। और सनी गए हैं केक लेने। ऑफकोर्स ये बातें, लड़कों का बर्थडे होता है तो उनसे कोई चीज़ छुपती तो है नहीं, सब कुछ ही बता दिया जाता है कि भैया हमने क्या क्या सरप्राइज़ प्लान किया है, क्योंकि आखिरकार एंड में जाके तो फिर उन्हीं को ही लाना है सब कुछ। तो इस वजह से वो गए हैं केक लेने। वो कस्टमाइज केक है, मैंने मन से बनवाया था अपने, पर अब वो देख लेगा। शिट यार, पर ठीक है, अब कोई बात नहीं। तो ये केक लाते हुए, और पता नहीं इनके मन लायक केक होगा क्योंकि शक्ल तो पूरे टाइम इनकी 12 ही बजी रहती है, और पूरे टाइम मुंह ऐसा थोथड़ा चढ़ा रहता है जिसकी हद नहीं है। लाओ आगे दे दो, आगे। ये भी इतना मस्त दिख रहा है यार, मजा ही आ गया है। सनसेट का तो आज तो सनसेट भी इंजॉय कर लिया है, बल्ब लग रहा है सनसेट। हाँ, जबकि क्लियर देख पा रहे हैं यार, बताओ, सूरज को भी देख पा रहे हैं। कौन कहता है सूरज को नहीं देख सकते? देखो हम देख रहे हैं, ये है सूरज पे। गया लाइव सनसेट दिखाते हुए, और ये देखो, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहा है। मैं फोकस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं। हाँ, तो अब हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और यह अभी हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं। बस उसमें दिमाग थोड़ा कम है, कुछ भी बोलता है ये लड़का। तो अब ये जो सामने जगह दिख रही है ना जब बलून्स वगैरह लगे हुए हैं, बस यही है हमारा। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचते हैं और ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह सब, स्पेशली हमने बोला था स्विमिंग पूल के पास करिए। तो अब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, चलिए। गाइस ये डेकोरेशन हुआ था और जो बोला था वो ठीक है, थोड़ा बहुत है, बट वो बोल रहे हैं कि रोज़ पेटल्स वगैरह अभी हवा चलने की वजह से उन्होंने नहीं लगाए हैं, अभी थोड़ी देर में लगा देंगे। और ये केक है और ये हमारा यशवर्धन है और ये पूरा उसका गैजेट्स लवर है, इसलिए वैसा ही केक कस्टमाइज़ करवाया था मैंने। बाकी ये यहाँ का बी गया हुआ है, तो ये बोल दिया उनको चेंज करवाने को, तो वो चेंज कर देंगे। और यहाँ थोड़ी देर बाद लाइटिंग्स भी लग जाएंगी। कैसा लग रहा है वो बता दो। देखो अकड़ बोलते ही नहीं बन रही, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो सरप्राइज नहीं हुए तुम? बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। चलिए अब इनकी पिक्चर्स क्लिक कर दें वरना ये मेरी जान ले लेंगे। तो गाइस ये देखिए इनकी ड्रेस, ये पूरी ड्रेस है। और नानी कैसा लग रहा है? नानी तो नानी थक गई, सुबह बहुत परेशान कर दिया हमने उन्हें। ये देखो कैसा लग रहा है, इधर कैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो आप रोज पेडल वगैरह सजा के रखे हैं। और ये हमारा केक है, हम इसको ओपन करके जल्दी से बताते हैं। तो ये है यशवर्धन जी का केक, कितना मस्त लग रहा है ना, वाह। और यहाँ पे देखो आप, ये केक बनवाया गया, इसको माइंड मत करना, घुसा दिया यार यशवर्धन, उनने थोड़ा सा घुसा दिया, लिखना चाहिए था ना। और इसमें बना ये लैपटॉप जिसमें मैं काम करता रहता हूँ, ये बना आईफोन जो मेरे पास है नहीं। और ये जो बंदा बना है ये भी शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन उनने बना दिया, पता नहीं किस खुशी में। नहीं यही है, यही है गाइस, यही है, झूठ बोल रहा है, ये मोटा पेट वाला यही है। इतना मोटा पेट तो मेरा जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना इसका हो गया। और ये हाथ में इसको बर्गर भी पकड़ा दिया गया है, पता नहीं क्यों। जबकि मैं तो सब्बे खाने वाला हूँ। बिल्कुल सही बनाया उनने, इतना मोटा बर्गर खाता हुआ। यहाँ देख सकते हो अब यशवर्धन ऐसे लिख दिया है, घुसाड़ दिया बिल्कुल ही कैमरे में। नहीं यार केक बहुत अच्छा लगा, जैसा मैंने बोला था वैसा बना है, बस मेरे को इसमें ऐड करना था। हाँ कैमरा मतलब केक जो था वो किलपाने के लिए बनवाया गया था और मैं किलप गया। थैंक यू। सी बात है, सच्चाई दिखनी चाहिए, मोटा पेट, बर्गर हाथ में, और ये कैश जो तुम पे है नहीं, और ये आईफोन जो तुम पे है नहीं। क्या बोल रहा? वो बर्गर नहीं, वो आपके बिटकॉइन है। अच्छा इस केक को तो मेरा ही काटने का मन हो रहा है। ऐसा चलो अब जल्दी से काटते हैं इसको, ऐसे ही रहे बिना काटे। गाइस तो यहाँ ये कूलर लगवाया है हमने, बट यहाँ रोज पेटल्स उड़ रहे थे, पर हम सोच रहे हैं भले ही ये उड़ जाए पर गर्मी बहुत लग रही है तो लगवाना जरूरी है। और ये द बर्थडे बॉय जो लगे हुए हैं कैमरा सेट करने के लिए, उनके व्लॉग के लिए। और यहाँ देखिए हमारा सामान तो चलता ही है, साथ में बहुत सारा सामान लेके आते हैं हम। आपको केक कैसा लगा नानी? आप कुछ बोलोगी, आपके बेटे को हैप्पी बर्थडे बोलोगी? हैप्पी बर्थडे टू यू। और यस जी, और आप हमेशा खुश रहें, सारी तमन्नाएं आपकी जिंदगी में खूब ऊंचाइयों, हाँ खूब ऊंचाइयों पे पहुँचे, सक्सेस आपको हर कदम पे मिले, आपके कदम चूमे, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाए। हाँ। और आप बोल दो कि अब मैं चली जाऊंगी तो सब हो ही जाए। हाँ डैडी जैसा किया है इसने। तो केक कटने की संभावना लग रही है, बर्थडे बॉय को फुर्सत मिल जाए तो कटवा देंगे। सबसे पहले क्या करना? बीच में बर्थडे बॉय इज हियर, सिट डाउन व्हेयर यू आर स्टैंडिंग। भैया बर्थडे बॉय सब करना चाहते हैं, हमें तो बिठा दिया है उनने, जलाएंगे भी वही। नहीं नहीं लाइटर लाइटर लाइटर, तुझ पे कौन सा लाइटर? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिलना ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हंसो। मैं क्या इसका बर्गर खा लूं क्या? तो हम ये पार्टी बम फोड़ना भूल गए थे, इसलिए अभी फोड़ना है। हा 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 हा। हैप्पी बर्थडे टू यू। पैसा हर जगह गाइस पैसा है, पार्टी बम में भी इतना पैसा है। और नानी ने कुछ हाथ में जमा करके रखा है। नानी बताइए क्या है? क्यों तंदूरी रोटी ना? कौन कौन से नोट है ये? 3 2000 के नोट हैं और तीन ही 500 के हैं। तो बताइए ये जो लड़का बैठा है बर्थडे बॉय, इनने पार्टी बम भी भैया पैसों वाला लाके दिया है। देखिए इनके केक में भी कैश ही कैश बना हुआ है। क्या चाहते अब नानी आप इसका क्या करोगे? अचार डालें। शुभम के लिए कैसे खाते हैं अमीर लोग। अमीर लोगों के खाने का तरीका। और अचार बनाने के बाद फिर क्या करेंगी? पैसों में ही पैसों को बेचेंगी। वैसे बहुत क्यूट लग रहा है यार वो छोटे छोटे नोट। इनकी रग रग में पैसा बसता है। इनके हर काम में पैसा बसता है, चाहे वो पार्टी पॉपर हो या केक हो। ऑर्डर देते हुए खाने का, आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए खाने के लिए। और देखिए गाइज मैं बोलती हूँ ना, ये लड़का सिर्फ झूठ की डाइटिंग करता है। इसको मीठे का पता नहीं इतना क्या है, देख लो। और ये फालतू की डाइटिंग करता है, बस मुंह से ही निकालते हैं कि शक्कर छोड़ दी, नमक छोड़ दी। गाइस आज से मैंने ये फैसला लिया है, मैं फालतू ही मीठा छोड़ के बैठा था। आई विल ईट हाउ मच आई वांट बिकॉज आई डोंट केयर। ये बर्थडे का मेरा वो है। व्हाट अ फिटनेस एडवाइस यू आर गिविंग। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ और हप्पा और लाइफ है अभी, और अभी हप्पा जैसे हो गए ना, हाथी जैसे, तो बस पतले होकर भी कुछ नहीं मिल रहा। बढ़िया है, सही है, हो जाओ, हमें क्या करना। तो गाइस यहाँ पे चाहे खुशी हो या गम, एक इंसान जो कभी नहीं बदलता है वो ये हमेशा हमेशा गुस्सा 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 गुस्सा। अभी भी गुस्सा, मेरा बर्थडे हो तो भी गुस्सा, कुछ भी हो तो भी गुस्सा। और अब इस गुस्से को हम सह नहीं पा रहे तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखो गाइस, जब आपने भूखी शेरनी को कभी देखा नहीं होगा, इन रियलिटी में आज आपको दिखा रहा हूँ। ये है भूखी शेरनी। अब आप बोलेंगे ये शेरनी कैसे हैं? अब देखो हम इनको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ये शेरनी कैसे हैं। देखिए फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचा। अभी अभी वो रेख नहीं रही है क्योंकि कैमरे के सामने शर्मा रही है। अभी भयंकर काटने दौड़ी, देखो पैर में जड़ दिया किक। इस खाना आ चुका है। पहली सब्जी है शाही पनीर, दूसरी सब्जी है बटर पनीर, ये रही तंदूरी रोटी और ये प्लेट्स रेडी हैं। नानी को आंसू आ गए भैया। क्या हुआ? नानी से पूछा जाएगा, पहले एक मिनट नानी से पूछ ले। नानी आंखें मल रही। व्लॉग अब हम समाप्ति के तौर पे आ चुका है। हम यहाँ आए थे जगह पे, लेकिन थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो चुकी है यहाँ पे तो हमारे साथ होता ही रहता है। और now we are going home। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो डू हिट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज। बाय बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यश बाय। बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं आज, आप शक्ल तो देख ही रहे होंगे, थकानी निकल जाएगी गाड़ी। मॉर्निंग में तो भयंकर शूट था और फिर यहाँ पे आ गए। 4 इंची की हील पहन पहन के पागल हो रहे हैं, नींद हो रही है। सुबह 5 बजे से उठे हुए थे, दिख तो हमें नहीं रहे। चलो बाय। तो बात ये हो गई है कि उसका बर्थडे आता है मई में, लेकिन हम ये बार बार एक ही चीज़ क्यों बोली जा रही है, उसको कट करूँगी मैं। चलो ठीक है आगे बोलते। तो प्लीज़ सपोर्ट अस।